एक विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते थे, 8-10 विद्यार्थी थे, बड़े अच्छे विद्यार्थी थे। उसमें एक बालक ऐसा पहुंच गया जो बीड़ी पीता था। उसको बीड़ी पीने की आदत थी, बीड़ी पीने की आदत थी। गुरुजी को पता चला कि विद्यार्थी जो नया आया है वो बीड़ी पीता है। गुरुजी ने उसको बुलाया अपने कक्ष में, कहा बेटा हमने सुना है कि तुम बीड़ी पीते हो, गुरुकुल में आकर के कोई ऐसा काम करता है। डांटा फटकारा, उसके बाद समझ गए कि ये बीड़ी छोड़ने वाला नहीं है। तो गुरुजी ने थोड़ा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? उन्होंने कहा बेटा ऐसा एक काम करो, तुम बीड़ी तो तुमसे छूटने वाली नहीं है। उसने बोला मैं छोड़ना चाहता हूँ पर मुझसे छूटती नहीं। तो बोले एक काम कर, तो रविवार को बीड़ी पी लिया कर, रविवार को मैं तुझे छूट देता हूँ कि रविवार को तू बीड़ी पी लिया कर और कोई दिन बीड़ी मत पीना। बोले ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी को कुछ काम आया तो कुछ दिन के लिए चले गए बाहर। अब इधर भैया रविवार आया, अब तो उस दिन वो एक नहीं चार चार बीड़ी मुंह में खोसे और पिए, खुल्ला पीने लगा। पहले चोरी से पीता था फिर खुल्ला पीने लगा। उसके बाद जब विद्यार्थियों ने देखा बड़ा आश्चर्य लगा, अरे देखो तो इसको खुल्ला बीड़ी पी रहा है, ये पूरे आश्रम में आश्रम की बदनामी करवाएगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, गुरुजी इनको यही सिखाते हैं। विद्यार्थी बेचारे परेशान। थोड़े टाइम बाद गुरुजी आए, गुरुजी से जाकर शिकायत किया, अरे वो जो नया विद्यार्थी आया है वो बीड़ी पीता है। बोले अच्छा बीड़ी पीता है, हम तो उसको मना करके गए थे फिर भी बीड़ी पीता है। फिर उसकी बातें बताने लगे, हम थोड़ा सूक्ष्म बता रहे हैं, ये तो बड़ी कथा है सूक्ष्म। उन्होंने कहा विद्यार्थियों ने कि गुरुजी वो तो कह रहा था, गुरुजी ने ही कहा कि बीड़ी पीना चाहिए, वो तो आपके ही बारे में बोल रहा था, आपने कहा था बीड़ी पीना चाहिए। अब गुरुजी का तात्पर्य क्या था कहने का? वो तो कह रहा गुरुजी ने कहा सच में आप लोग भी पियो, हाँ कसम खा के कहता हूं मैं, जिसकी कसम खवाओ आप। और लोग विद्यार्थियों को भी मन में तो आया था कि यदि गुरुजी कह गए हैं कसम खा रहा है तो सच में गुरुजी ने कहा होगा। मन तो उनका भी पीने का हुआ था लेकिन वो बीड़ी पिए नहीं कि पहले गुरुजी से हम बात करते हैं क्या ये सच बात है। पर आजकल के लोग हो तो तुरंत पीने लगे, लेकिन वो विद्यार्थी अच्छे थे, उन्होंने तो बीड़ी पीना प्रारंभ नहीं किया, पर वो भैया खुला बीड़ी पीता था। तो क्या गुरुजी का अभिप्राय यही था कि ये बीड़ी पीने लगे और चार को सिखाए? नहीं, उनका मतलब यही था कि ये 8-7 दिन 6 दिन बीड़ी नहीं पिएगा तो शायद इसके मन में किसी दिन ग्लानी हो कि जब मैं 6 दिन नहीं पीता तो ये 1 दिन क्यों पीऊं, तो रविवार को भी धीरे धीरे छोड़ देगा। तो शास्त्रों में बलि की इस प्रकार से चर्चा है, बाकी शास्त्रों में कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि किसी जीव की हिंसा करनी चाहिए, किसी जीव को मार देना चाहिए, कहीं भी नहीं लिखा। ना कहीं कोई देवी देवता, भैया आप लोग सोचिए चप्पल पहन के मंदिर जाना तो निषेध है, अशौच क्रिया में भगवान को स्पर्श करना तो निषेध है, और दारू मांस का भक्षण करेंगे देवी देवता? आप खुद विचार करिए, आप जितने बैठे हैं बताइए कौन चप्पल पहन के मंदिर जाता है? कोई जाते हो तो भगवान दारू मांस का भोग लगाएंगे? शिव जी गांजा पीते हैं, बम भोले शिव जी गांजा पियेंगे? सब मनगढ़ंत बातें। इसलिए थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। एक ने कहा वेद में लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद में ही लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। नास्तिक था कोई, नास्तिकों को तो एक बहाना मिलना चाहिए धर्म को बर्बाद करने का। वेद में ही लिखा वेद नहीं पढ़ना चाहिए, पूरे गांव में गाता घूमे। तो एक पंडित जी आए, बोले ये क्या बोल रहा है आलतू फालतू बातें, इधर आओ, क्या कह रहे हो भैया, वेद नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ लिखा है, किसने कहा? अरे मैंने वेद में ही देखा है, अभी अभी पढ़ के आया हूँ, वेद में लिखा वेद नहीं पढ़ना चाहिए। बोले चल मुझे दिखा। जब गए उसने देखा तो खाली उसने क्या पढ़ा था कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो लिखा था उसमें वेद की
वेद शास्त्र में लिखा था वेद में कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, पर उसने पीछे का पन्ना पलटा के नहीं देखा, बस खाली सामने देख लिया वेद नहीं पढ़ना चाहिए। पीछे लिखा हुआ था कि भैया शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, अशौच क्रिया में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। 14 लक्षण है जिनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, पर हमने क्या केवल देख लिया वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद में ही लिखा है। अरे उसके आगे पीछे भी तो ध्यान दो, बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वेद नहीं पढ़ना चाहिए। गुरुजी तो हमारे बताते कि वेद सुनने का भी अधिकार नहीं है बिना यज्ञोपवीत संस्कार का, इसीलिए तो ये वैदिक सूत्रों की तो व्याख्या है भागवत, तभी तो इसको अर्थ किया गया है, क्योंकि वैदिक था, क्योंकि ऐसा विधान नहीं है।